वाईएफआई की तरफ से आज पूरे देश में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कहाँ है मेरा रोजगार, पूरे देश में अभियान है, केंद्र हो या राज्य सरकारें लगातार नौजवानों के साथ जो है वादा खिलाफी कर रही है। आप देखिए कि दिल्ली में आज हमारी जो मुख्य मांग है कि दिल्ली में 50% पद खाली पड़े हुए हैं जो भर के नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, और ये संख्या 1-2 हज़ार नहीं है, 70-80 हज़ार है। केजरीवाल साहब बड़े दावे कर रहे हैं कि 12 लाख रोजगार दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 7 सालों में एक भी नौकरी देने में ये सरकार नाकाम रही है। हम कह रहे हैं सरकार जमीन पर उतर कर बात करे, ये जो जुमलेबाजी मोदी सरकार की तरह नाकाम करे। दिल्ली सरकार से हमारी यह डिमांड है, पहली डिमांड यही है कि सारे रोजगार के जो पद हैं उनको भरा जाए, जो MCD में भी है और दिल्ली सरकार के अंडर भी। दूसरी डिमांड है कि 5,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तीसरा है ये जो स्कूल में एग्जाम फीस के नाम पर बच्चों की लूट हो रही है। एक तरफ कहते हैं कि हम बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं और 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम फीस 1800 से 2500 रुपये तक की लूट हो रही है। ये माफ़ होनी चाहिए ताकि आम विद्यार्थी शिक्षा से बाहर शिक्षा के अंदर आ सके। एक्चुअली हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है CEC, इसने तय किया था कि हम पूरे देश भर में राज्य स्तरीय जो है 15 सितंबर को डिमांड डे के रूप में हम इसको मनाएंगे। यानी कि डिमांड डे यानी कि राज्य स्तरीय, राज्य में जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, तमाम समस्याओं को जोड़ते हुए जो है हम राज्य सरकार से डिमांड करें कि युवाओं के हित में, राज्य के हित में जो है उसे पूर्ति किया जाए। मेरा नाम रिक्ता कृष्णस्वामी है, मैं DYFI मालवा नगर हौजरानी की यूनिट प्रधान हूँ। देखिए दिल्ली में लगातार 2016 से एक्चुअली युवाओं में रोजगार का जो दर है, ठीक है, वो गिरता गया है। जब कोविड आया था दिल्ली एक्चुअली टॉप स्थान में था जहाँ पे युवाओं में, मतलब 30 साल के नीचे के जो युवा है उनके रोजगार के दर में सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी। और ये जो आंकड़ा है ये बेहतर नहीं हुआ है टाइम के साथ। पिछले 3 सालों से हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, कोविड का बहाना बनाते बनाते इन्होंने ऐसे जन विरोधी, युवा विरोधी नीतियाँ लागू की है जिसके कारण हमारे पास कोई काम नहीं है, और अगर है भी तो बहुत लंबे घंटे हैं वहाँ पे, कुछ श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो सम्मानजनक और एक जो बेसिक रोज़गार है वो किसी को नहीं मिल रहा है अभी। सब लोग ठेके पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, फ्रीलांस पे हैं, या कभी कभी तो उनको एम्प्लॉय भी नहीं मान के उनसे 12 घंटे काम करवाते हैं। मैं आज के प्रोटेस्ट में इसलिए आया हूँ क्योंकि अगर आज के दौर में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी की हालत जो है केंद्र सरकार ने पहले ही ख़राब कर रखी थी, लेकिन दिल्ली सरकार में जो हालत है वो भी दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। ठेकेदारी प्रथा जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैंने BEd किया, मैंने MA किया, मैं CTET के दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ, मैं क्वालिफाइड एक योग्य आदमी हूँ, फिर भी मुझे जो है रोज़गार नहीं मिल रहा। और जो रोज़गार मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर मिलता है। बताइए आप 20 से 25 हज़ार रुपये में क्या होता है, किसी का कुछ गुजारा नहीं हो पाता। और इतनी दिल्ली की महंगाई, ऊपर से हमें किराए के ऊपर रहना पड़ता है, हमारी जेबों के पास पैसा नहीं रहा, हम बिल्कुल लो मिडिल क्लास से आते हैं। उन्होंने कहा था कि ये कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, इवन सिविल डिफेंस जैसे जो वॉलंटियर चीज़ है उसको भी पक्का करेंगे, ये बोल के आए थे। उसमें इतना शोषण किया है उन्होंने कोविड में, हमने देखा है, बच्चों ने अपने यूनिफॉर्म का तक का पैसा दिया है, ये बोल के कि 6 महीनों में आपकी नौकरी स्थायी की जाएगी। ये लूट रहे हैं लोगों को रोजगार के नाम पे, उनको वॉलंटियर बना के उनसे ही पैसे लेके काम करवा के कुछ नहीं दे रहे हैं। इस समय में आप अग्निपथ जैसी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं जो कि बढ़ती बेरोजगारी में और आग में घी डालने का काम करेंगे। आप ऐसी स्कीम्स ला रहे हो, आप ये क्यों नहीं ला रहे हो, जो स्कीम्स एग्जिस्ट करते हैं उन्हें क्यों नहीं चालू कर रहे हो, भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो? इस सरकार में सबसे कम नौकरियां दी गई हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में मैं खासतौर पर बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। तो दिल्ली सरकार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़े बड़े दावे करती है, बिल्डिंगें तो आपने बना दी, बिल्डिंगें बनाने से कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी पड़ेगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देगा कौन, वो तो शिक्षक ही देंगे ना। आप भर्तियाँ कर नहीं रहे, सालों से भर्तियाँ लटका के रखी हुई हैं। आप जब चुनाव आता है तो लॉलीपॉप के नाम पे 200, 300, 500 भर्तियाँ निकाल देते हैं, इसके बाद भर्तियों का कुछ पता नहीं होता। ज़्यादातर जो आप चीज़ें रख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रहे हैं। ये सरकार सीधे सीधे युवा विरोधी है, जन विरोधी है, मजदूर विरोधी।